साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो रेमेडी दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको आकस्मिक ही धन की प्राप्ति कराएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हमारा ऑरा जब दूषित होता है तो बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी ऑप्टिकल्स, बहुत सारे संघर्ष लग जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं। अगर इसको आप मंथली एक बार बिना खर्चे का ये उपाय छोटा सा, ये आपको दुर्भाग्य को दूर करेगा, आपके बैड लक को दूर करेगा। जिसे कहा जाता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना, मतलब कि कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब कि आपके सभी कार्य विफल हो रहे हैं, कोई भी सोचा को हम आपका सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं टिप्स आपको पहले दे रहा हूं। इस टिप्स को यदि आपने फॉलो कर लिया, एक बार में ही इसका परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं आप। आपको करना क्या है, कपूर जो होता है, आपको केमिकल्स वाला कपूर नहीं लेना है, भीमसेनी या बराज, ये शुद्ध कपूर होता है। देखिए कोई भी रेमेडीज करते हैं उसमें ओरिजिनल चीज ही यूज किया करें, क्योंकि प्राकृतिक गुण जो होते हैं, दैविक गुण होते हैं, ओरिजिनल चीज में होते हैं। आजकल तो सब कुछ केमिकल्स वाला मिलने लगा है, फिर आप रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर आप बोलेंगे सर ने कैसे रेमेडी दी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको भीमसेनी कपूर जो होता है, जो ओरिजिनल होता है, उसके अलावा इससे भी ज्यादा शुद्ध कपूर होता है वो कहा जाता है बरास। अगर बरास ले सकते हैं तो बेस्ट है। ये आपको एकदम मिश्री जैसा दिखता है, धागे वाली मिश्री जो होती है उसी के जैसा होता है। ये वाला कपूर आपको पूजा पाठ वाले स्थान में आराम से इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि यदि आपके ऊपर किसी की नजर है, दोष है, हाय है, बद्दुआ है, दोस्तों ये चीजें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन अगर आप इसको यदि फील करते हैं तो ये अचानक से ही इंसान को एकदम त्रस्त कर देती है, मतलब चारों तरफ से परेशानियां क्रिएट करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब ऑरा ही दूषित होगा तो आपकी लाइफ का जो बैलेंस होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो आपको करना क्या है, किसी भी दिन स्प्रे को कर सकते हैं और घर के सभी मेंबर्स अपने लिए स्प्रे को कर सकते हैं। आपको एक कपूर का यानी कि बरास का एक टुकड़ा लेना है, या फिर भीमसेनी कपूर भी आप ले सकते हैं। एक टुकड़ा उसको लें, सीधे हाथ में रखें, ठीक है। सीधे हाथ में रखने का इस तरीके से आपको मुट्ठी बांध लेनी है और इसको अपने घर के पूजा स्थान में बैठ के या फिर घर के मेन चौकट में कर सकते हैं। 2 मिनट तक कंटिन्यू आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यहां मंत्रों की काउंटिंग मना की गई है, आपको काउंटिंग नहीं करनी है मंत्रों की, ठीक है। आपको सिर्फ 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। 2 मिनट आपके पूरे होते हैं, आपको लेना एक बेलीफ यानी कि जो तेज पत्ता होता है उसका एक आपको पत्ता ले लेना है, पत्ता एकदम साबुत लेना है। किसी प्लेट में आपको क्या करना है, इस बेलीफ आपने लिया है उसको रखेंगे, उसके ऊपर इस कपूर को आपको रख देना है, रख करके आपको उसको जला देना है। अब कितना जलता है, पूरा जले ना जले उससे आपको मतलब नहीं, कपूर पूरा जल जाए उसके बाद में उसकी जो ऐश बचती है, जो राख बचती है, इसको किसी वृक्ष के नीचे आप डाल दें या फिर अपने घर की मिट्टी वगैरह में कहीं डाल दें। एक दिन इस प्रयोग को करके देखिए, जैसे भी मतलब कि वर्षों पुरानी कोई नजर है, कोई हाय है, बद्दुआ है, ये चीजें आपकी लाइफ से हट जाएगी, आपका ऑरा जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सभी काम आपके सब सफल होने लगेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुछ ऐसी नजर से देख लेते हैं जिससे कि हमारा ऑरा दूषित हो जाता है। किसी की नजर लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है, किसी की बद्दुआ या टोना टोटका, ऐसी किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी वो आपकी लाइफ से चली जाएगी और इसका रिजल्ट आप 2 से 3 दिन में देख पाएंगे। तो दोस्तों हर महीने में एक बार ये जो टोटका मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करते रहें, इससे आपका ऑरा हमेशा क्लियर रहेगा, है ना। और दूसरा उपाय जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी धन संबंधित सारी परेशानियों को 100% सॉल्व कर देगा। ये करने के बाद में आप खुद कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, कभी भी पर्स आपका खाली नहीं रहेगा। करके देख लीजिएगा, आजमा के देखिए। मेरा काम है जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में। करना नहीं करना ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा वो आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी।
और दोस्तों यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, काफी कमेंट्स देखता हूं, देखा मैंने कि बर्थ चार्ट चेक कराना है, तो दोस्तों देखिए यूट्यूब में जितनी भी रेमेडीज होती हैं, उपाय होते हैं, जनरल होते हैं, लेकिन आपका बर्थ चार्ट यदि अनबैलेंस है, कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि घर में आपका वास्तु अनबैलेंस है या कोई तंत्र मंत्र किया करा है, टोना टोटका है, किसी प्रकार की बंदिश है, तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, आप अपना घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या फिर अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट कन्फर्म नहीं है या आपका बर्थ चार्ट है ही नहीं, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी समस्या का 100% सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आपको 5, 7 या 11 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। और घर में यदि किसी प्रकार की बंदिश है तो उसको रिमूव करा के घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में, स्टडी में, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा ये, उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100% आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको 11 सिक्कों से करना है, आपको 11 सिक्के लेने हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि एक एक के सिक्के लेने हैं, ठीक है। एक के ले सकते हैं, दो के ले सकते हैं, 5 के 10 के, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है उसमें जो नंबर्स होते हैं, यानी कि सन, जैसे कि 2023 का है तो सारे सिक्के कितने के होंगे, 2023 के ही होंगे। अगर 2022 के हैं तो सारे 11 सिक्के आपको 2022 के लेने हैं। एक के ले लेंगे सबसे बेस्ट है, एक का नहीं मिल पा रहा है तो 2 का ले लें, 5 का ले लें, 10 का ले लें, लेकिन एक का सिक्का सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है। अगर फिर यदि नहीं मिल पा रहा है तो 5 या 10 या 2 जो भी आपको समझ में आता है वो सिक्के आप ले सकते हैं। एक आपको लेना है छोटा सा कुल्हड़, यानी कि जो छोटे से मटके आते हैं ना, इसमें चाय वगैरह बिकने लगी है आजकल, तो मिट्टी का छोटा सा कुल्हड़ लेना है आपको। ये प्रयोग दोस्तों आप अमावस्या के दिन करेंगे, अमावस्या के दिन में एक कुल्हड़ आपको ले लेनी है, ठीक है। इसको घर ले आना है, 11 सिक्के जो आपने लिए हुए थे, 11 सिक्के को पहले आप क्या करेंगे, हल्दी वाले पानी से, पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से आपको साफ कर लेना है, ठीक है। और आपको बरास लेनी है, बरास, यहाँ पर बरास ही यूज करनी है। ओरिजिनल चीज करेंगे ओरिजिनल रिजल्ट मिलेगा, डुप्लीकेट चीज यूज करेंगे डुप्लीकेट रिजल्ट मिलेगा। तब यदि कोई अच्छी चीज पानी है, हमेशा चाहते हैं कि धन की बरकत रहे, धन के योग बनते रहे, पैसा कभी खत्म ना हो, तो आप बंसारी कहां से या फिर पूजा पाठ वाले स्थान में ओरिजिनल चीज लेके आ जाए, बरास, ठीक है, थोड़ी सी बरास लेकर के आ जाना है। अपने पूजा स्थान में आपको बैठ जाना है, घी का दिया जलाना है, गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती जलानी है, ठीक है। अब एक पटरा सामने बिछाए, खुद भी आसन पे बैठे, सिर पे कपड़ा डालें और सामने आसन लगा करके वहां पर इन 11 सिक्कों को लाल कपड़े में लपेट करके, लाल कपड़े बिछा करके उसमें रख दें। सब में हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध का तिलक कर दें, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपने कुल देवता, कुल देवी, पितरों का ध्यान कर लें, महादेव, गणेश भगवान, नवग्रह का ध्यान कर लें, वास्तुपीठ भगवान का ध्यान कर लें, ठीक है। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए आपको एक मंत्र का आपको यहाँ पर जाप कर लेना है। आपको 1008 बार श्रीम बीज मंत्र है, आप चाहे तो स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, लाल चंदन की माला या कमलगट्टे की माला, और नॉर्मल यदि नहीं है तो हाथ उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का 1008 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करके सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे। अब जो आपने कुल्हड़ दिया हुआ था, सबसे पहले उसमें आपको डाल देना है बरास, ठीक है। बरास के 2-4 पीस उसमें डाल दें और उसके ऊपर इस सिक्कों को रख दें। अब इसको आपको बंद नहीं करना है, इसको आपको, और थोड़ी सी पीली सरसों, ये चीज आपको ध्यान देनी है, 2-4 चुटकी, मतलब एक चुटकी भी डालेंगे चल जाएगा, थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। और अपने घर के ईस्ट कॉर्नर, ईस्ट में, यानी कि आपके घर की जो पूर्व दिशा की जो वॉल होगी, दीवार होगी, उसके बीचों बीच कहीं भी इसको आपको ऐसे रख देना है कि किसी की नजर ना पड़े। मतलब इसको आपने रख दिया, सामने कुछ फोटो वगैरह रख दें लक्ष्मी माता की या कोई सीनरी वगैरह रख दें, ये परमानेंटली आपको वहां रखे रहने देना है और किसी की नजर ना पड़े, ना बाहर वाले व्यक्ति की ना आपकी। बस दोस्तों इसको रखने के 2 या 3 दिन बाद इसका रिजल्ट आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक ये वहां पर रखा रहेगा तब तक आपकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं आएगी, बिल्कुल 100% गारंटी है, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि इसकी आपको सफाई बिल्कुल भी नहीं करना है, कपूर जो होगा वो तो उड़ जाएगा, ठीक है। दीपावली के टाइम पे सिर्फ एक दिन में इसको आप साफ कर सकते हैं, यदि रेंट पे रहते हैं, भाड़े पे रहते हैं, तो जब घर खाली कर रहे हैं तब इसको उठा करके साफ कर सकते हैं, बाकी आपको ईयरली ही साफ करना है, बाकी बीच में कभी इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको छेड़छाड़ी नहीं करनी है।
दोस्तों ये प्रयोग आप करके देखिए, इतना चमत्कारिक और इतना दिव्य प्रयोग है, आप देखेंगे कि कई रास्ते आपके धन प्राप्ति के खुल जाएंगे। यदि आपका व्यापार बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है तो वहीं से आपका व्यापार बिजनेस ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अगर आपकी जॉब वगैरह है, नौकरी वगैरह है, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि जहां से आपको जितनी इनकम हो रही है वहां से डबल ट्रिपल आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन के अपने आप आकस्मिक योग बनना शुरू हो जाएंगे। यदि पैसा घर में रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। दिव्य प्रयोग है, विश्वास के साथ में करिए। हाँ, अगर विश्वास है और कर्म करना जानते हैं तो ही इस प्रयोग को करें। वो लोग इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें जो अंधविश्वासी हैं या जो लोग ये सोच रहे हैं सिर्फ रेमेडी करने से पैसा आ जाएगा। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, बिना कर्म के पैसा कहीं से नहीं आएगा। ये जो होता है भाग्य साथ देता है, रेमेडीज करने से अपना भाग्य लक साथ देने लगता है ना। तो इस प्रयोग को आप करके देखिए, बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। विश्वास के साथ में करिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100% आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए। घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है ना, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग इस जानकारी से बेनिफिट लेंगे, आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही देंगे, दुआएं देंगे। घर बैठे कितना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।